हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ और आज हम बनाने वाले हैं आलू की सब्जी, पूरी, पुलाव जिसमें हम मटर और पनीर डालने वाले हैं और साथ में फ्रूट क्रीम बनाएंगे। तो किसी ने मुझे कमेंट्स में एक्चुअली पूछा और रिक्वेस्ट की कि आप आलू की सब्जी बनाइए, तो मैं तो खुशी हो गई क्योंकि आलू की सब्जी बहुत ही फेवरेट है हमारे घर में सभी की, इनफैक्ट बच्चों की, मेरे पापा की और मेरी मम्मी की फेवरेट है, साथ में मेरे ससुर जी को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आलू की सब्जी और पूरी बनाई जाए। इनफैक्ट जो गाँव होते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे जो भी कभी जब भी कभी कोई ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि शादी हो गई, बर्थडे पार्टीज हो गई, फेस्टिवल्स के दौरान जैसे दिवाली, होली, इन सब चीज़ों पे आलू की सब्जी और पूरी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, सभी जगहों पे बनाई जाती है और खाई जाती है। ट्रेन में ले जाना हो अगर किसी को खाना, तो आलू की सब्जी और पूरी ही लेके जाते हैं क्योंकि ये ठंडी भी बहुत अच्छी लगती है और थोड़े ज़्यादा टाइम तक पूरियाँ चल जाती हैं, इसीलिए सब लोग ये बना के लेके जाते हैं। इनफैक्ट ये जो स्पेशली आलू की सब्जी है, इसको बहुत ही बेसिक तरीके से बनाया जाता है, एकदम गाँव वाला जो फ्लेवर है वो याद आ जाता है सबको और बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। ये पूरा जो प्रिपरेशन है बहुत सिंपल है और आराम से बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मैं आपको स्पेशल ओकेजन बताऊं कि आज क्या स्पेशल ओकेजन है जिसके लिए हम लोग ये बना रहे हैं। तो आज है मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी और उसके लिए हम लोग बच्चों के साथ मिलकर मैं बनाने वाली हूँ ये पूरा खाना, तो उस सेलिब्रेशन के लिए बना रहे हैं और एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो देखते रहिए, चलें बनाते हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने प्याज लिया है, करीब 5 टमाटर ले लिए हैं, छोटे टमाटर थे इसलिए हमने 5 लिए हैं, ज़्यादा सा लहसुन और अदरक कट करके लिया है। इस सब चीज़ों को हम एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे। अगर आपको अभी हरी मिर्ची डालनी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर लाल मिर्ची का पाउडर हम बाद में डाल के इसको स्पाइसी कर लेंगे। सारा सामान मिक्सी के अंदर डाल देंगे और इसको पीस लेंगे अच्छे से। हमारे आलू उबल गए हैं, इनको हम छील करके और छोटा छोटा कट कर लेंगे। तो जो आलू हमने उबाले थे उनको हमने छील के कट कर लिया है, ऐसे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो बिना उबले आलू भी डाल सकते हैं आलू की सब्जी में, मगर जब हम उबाल के डालते हैं तो इसकी सॉफ्टनेस और बढ़ जाती है और जो वो ट्रेन वाला स्वाद होता है आलू की सब्जी का वो ज़रूर से आता है, गाँव वाला स्वाद जो है, तो उसे बनाने के लिए आप उबाल के बनाएंगे तो उसका फ्लेवर और अच्छा आएगा, टेस्ट और अच्छा आएगा। इनफैक्ट हम कुकर में इसको एक सीटी और बजाएंगे अपने मसालों के साथ, ताकि उसके अंदर सारे आलू के अंदर पूरा मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए और फ्लेवर्स प्रॉपरली एनहांस हो जाएं। अब सम हम सबसे पहले इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। दैट्स इट। एक स्पून जीरा डालेंगे, एक स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, एक स्पून हल्दी, एक स्पून जीरा पाउडर। अब हम हमारा सारा मसाला इसमें डाल देंगे, जो मसाला हमने पीस के रखा था, टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक का, उसको हमने डाल दिया है इसके अंदर। अब इसे चला लेंगे हम। तो हमारे उबले आलू को एक बार फिर से उबालने से, एक बार और कम से कम सिर्फ एक सीटी तो आप और बजाइए, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अभी एक स्पून नमक डालेंगे, अब आधा चम्मच शुगर, क्योंकि हमने टमाटोज का यूज किया है तो उसकी एसिडिक वैल्यू को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने इसमें थोड़ी सी शुगर डाल दी है और इसको हम चला लेंगे अच्छे से। कुकर सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे हमारी सब्जियां बहुत फास्ट बन जाती हैं। ये मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा और इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर की तरफ आने लगेगा, तब हम अपने आलू और हमने फ्रोजन मटर लिए हैं, इनको सबको एक साथ कुकर के अंदर डाल देंगे। मसाले अगर आपको बाद में, बनने के बाद में जब हमारी विसल हो जाएगी, अगर कम लगते हैं, अगर आपको मिर्ची ज़्यादा चाहिए या नमक चाहिए, तो आप उस समय टेस्ट के हिसाब से और डाल सकते हैं। अभी हम इसमें किचन किंग मसाला डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब
एक स्पून अमचूर पाउडर डाल दीजिए। एक स्पून ही था हमारे पास इसमें, अब बाकी का मंगाना पड़ेगा बाद में। और इसको फिर से चला लेंगे। आप देख रहे हैं कि ये अब भुनने लगी है और ऑयल थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। अब इस वक्त हम अपने आलू और मटर दोनों इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे। ये देखिए आलू का टेक्सचर सब्जी का कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप और गीली चाहते हैं तो और गीली बना सकते हैं। जो ट्रेन वाली सब्जी होती है, गांव वाली सब्जी होती है, वो और थोड़ी सी गीली होती है। मेरे ससुर जी को और मेरे जो पापा हैं उन लोगों को स्पेशली गीली सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो एग्जैक्टली गाँव वाला फ्लेवर लगता है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये हमने डाल दिया है इसके अंदर और पानी डाल दिया। आप देखिए कितनी ये पानी जैसी हो गई है। लेकिन अभी एक सीटी जब हम बजाएंगे इसमें तो ये बहुत अच्छा दिखने लगेगा। इसका जो टेक्सचर है ग्रेवी का, ये और सुंदर दिखने लगेगा और अच्छी तरह से सारे मसाले आलूओं के अंदर चले जाएंगे, जिसके कारण इसका फ्लेवर बहुत अच्छा दिखेगा। बस अब इसको बंद करके हम एक सीटी बजा देंगे। अब तैयारी कर ली है हमने पनीर पुलाव बनाने की। तो उसके लिए मैंने चावल को अच्छे से धो करके उसको थोड़ी देर के लिए बासमती राइस को भिगा के रखा है। पनीर को कट कर लिया है, वॉश करके कट करिए हमेशा। और 4 टमाटर और लहसुन हमने पीस के रखा हुआ है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी कुकर के अंदर, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़े से काजू डालेंगे। अब कटे हुए पनीर इसमें डाल देंगे। और अब हम टमाटर और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। आप सारी चीजें पहले से रेडी करके रखिए ताकि जो काजू हैं वो जले नहीं और फटाफट आपके जो सामान है जो अंदर जाने वाले हैं वो सब रेडी रहे आपके लिए। अब इसमें 1 स्पून सॉल्ट डाल देंगे, 1/2 स्पून शुगर और बस इस मसाले को अच्छे से चला लेंगे। हमारे जो फ्रोजन मटर हैं अभी थोड़ी देर में वो भी निकल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। थोड़ी देर इसको पक जाने दीजिए बस। तो हमारा ये मटर पनीर का पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको हरी मिर्च डालनी है वो डाल सकते हैं। इसको चलाते रहिए। बस हमारा मसाला हो गया है। अब इसमें हम अपना चावल जो है, पानी जो हमने मेजर करके रखा हुआ था, उसके साथ में पूरा चावल डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आप चावल में जो नमक डाला था हमने वो प्रॉपर है कि नहीं ये एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, क्योंकि बाद में चावल में नमक मिलाना मुश्किल रहता है। तो इस वक्त जो ये पानी है इसको आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए कि चावल में नमक प्रॉपर है कि नहीं। तो आप और डाल सकते हैं मिर्ची और डाल सकते हैं इस वक्त आप, ताकि फ्लेवर्स जो है अभी डेवलप हो जाएं और बाद में जब हम निकालें खाने के लिए तब हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि बाद में ऐड करने से इसमें जो चावल हैं वो सब टूट जाते हैं। तो इसीलिए सारे फ्लेवर्स हमें अभी बनाने के पहले ही डेवलप करने पड़ते हैं। बस अब इसको हम बंद करके और सीटी बजा लेंगे। करीब हम 2 सीटियां बजाएंगे क्योंकि चावल बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमने कोई हार्ड वेजिटेबल्स भी नहीं डाले जैसे कि आलू गाजर वगैरह इसके अंदर, तो ज़्यादा सीटी बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत जल्दी पक जाएंगे हमारे पुलाव। तो यहाँ हमारे पुलाव हो रहे हैं और इधर पे आलू की सब्जी हो रही है। तो ये जब तक बनते हैं हम लोग पूड़ी के लिए आटे की तैयारी कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि पूड़ियाँ किस तरह से बनानी है। इसलिए हमने आटा ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के और पानी से इसको पूड़ी के लिए गूंद लेंगे। जैसे नॉर्मली आप आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है।
कोई टेंशन नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और गूंदते जाइए, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है और अच्छी तरह से गूंद नहीं पाता। तो हमें बहुत कम कम पानी डालकर इसको मिलाना होता है कंटिन्यूसली। हमारा पुलाव भी अब रेडी है। जो मसाले हैं उनको आप हल्के हाथ से इस तरह से मिला लीजिए, तो ये सारी सब्जियां, पनीर वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से ये पुलाव में मिल जाएगा। और फिर इसको सर्व करने के लिए हम निकाल लेंगे। तो हम इसको अब सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। ये होता है सिंपल घर का खाना, ज़्यादा तेल मसालों के बिना जो हम बनाते हैं घरों में। और क्योंकि हमने इसमें पहले ही फ्लेवर्स ऐड कर दिए थे अच्छी तरह से, तो अब हमको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाना है। चावल में स्पेशली फ्लेवर्स उसी समय बनाने के पहले, कुकर को बंद करने के पहले ही डाल देने पड़ते हैं। आप देख रहे हैं इसमें हमारे पनीर भी दिख रहे हैं, काजू दिख रहे हैं और मटर दिख रही है। ये बहुत ही अच्छी लगती है, आलू की सब्जी के साथ भी ये बहुत अच्छी जाती है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा धनिया डाल के इसको गार्निश कर देंगे। इस तरह से आप गार्निश कर दीजिए। आप पनीर की जगह अगर आप चाहें तो टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जो हमने लिया है उसकी जगह आप कोकोनट ऑयल या पीनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। सब में फ्लेवर उससे भी बहुत अच्छा आता है। आलू की सब्जी अब रेडी हो चुकी है। आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, एकदम ऑथेंटिक है। और बच्चों के हिसाब से मैंने ये थोड़ी सी अलग निकाली है। अब मैं इसके अंदर मिर्ची डालूंगी ताकि जो बड़े हैं उनको भी चटकारे लेके खाने के लिए मज़ा आएगा इसे। तो इसमें थोड़ी सी हम मिर्ची डालेंगे बड़ों के लिए। तो इसमें मैं एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, उसको मिला लेंगे। बस ये हो गई बड़ों के लिए सब्जी तैयार और मैं इसको अब सर्व कर लूँगी। ये मैंने सर्व कर ली है आलू की सब्जी को और इसको हम गार्निश करेंगे धनिया के साथ। धनिया के बिना जो सुंदरता है वो बढ़ती नहीं है सब्जियों की। तो ये हो गई हमारी सब्जी खूबसूरत। तो सारे फ्रूट्स को हमने कट कर लिया है छोटे छोटे, मैंगोज़ को अच्छे से वॉश करके छोटे पीसेस कर लिए हैं, बनाना के छोटे पीसेस कर लिए हैं, ग्रेप्स और ये हम लोगों ने निकाल के रख लिए हैं। ग्रेप्स के भी हमने गोल गोल पीस किए हैं ऐसे छोटे छोटे। शिवाली क्रीम डाल रही हैं अभी बाउल के अंदर। आप डायरेक्ट सर्विंग बाउल के अंदर ही बना सकते हैं, इट्स अ वेरी ईजी डिश। इसमें हम शुगर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो ऑलरेडी इतने स्वीट होते हैं कि शुगर की ज़रूरत नहीं होती है। गुड जॉब शिवाली। Now another one. Okay, Ma. Okay. Oh my God. okay. Ooh. You like it, no? थोड़ा फास्ट। गुड जॉब शिवाली। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर बस सारे के सारे फ्रूट्स हम इस क्रीम के अंदर डाल देंगे। एंड दैट्स इट, हमारी फ्रूट क्रीम तैयार हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल और बहुत ही फास्ट होता है, स्पेशली मैंगो का सीजन जब होता है तो आपको ये ज़रूर बनाना चाहिए। इट टेस्ट अमेजिंग और ये जो सारी फ्रेशनेस है फ्रूट्स की, उनके फ्लेवर्स इतने अच्छे लगते हैं गर्मी के मौसम में दोपहर में खाने में। सारे फ्रूट्स हम इसके अंदर डाल देंगे। बी केयरफुल, बी केयरफुल। ओके, गुड जॉब। ओके, नाउ मिक्स। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि इसमें मैंगोज और सारे फ्रूट्स कितने सुंदर नजर आ रहे हैं।
रेडी है। यम्मी शिवाली, वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत ही यम्मी है, यम्मी यम्मी। इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए। अब पूरी बनाने के लिए हमने पहले आटा गूंद दिया था, इसमें से हम इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और गैस पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। इस तरह से थोड़े से बॉल्स बना के रेडी कर लीजिए। इनफैक्ट बेल बेल के हम अगर रख लेते हैं पहले से पूरियों को, क्योंकि ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो फटाफट फिर पूरियाँ निकल आती हैं, तो इसीलिए पहले से इनको बेल के और रेडी रखिए। ऑयल जब तक गर्म होएगा तब तक हमारी पूरियाँ बिल जाएंगी और फिर एक साथ हम इन्हें डालना चालू करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, यहाँ लगाएंगे। इसमें आटा लगा के हम नहीं बेलते हैं, जैसे कि रोटियों को बेला जाता है उस तरह से हम इसको नहीं बेलते हैं, क्योंकि आटा जो है अगर सूखा आटा तेल में रह जाता है और तेल पूरा काला हो जाता है। तो कोशिश करिए आटे के बिना आप बेल सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से पलटते रहिए ताकि ये राउंड शेप आ जाए और इसको रेडी रखिए तलने के लिए। फिर हमने दूसरी लोई ली, थोड़ा सा आटा लगाया, आटे में तेल लगाया, इस तरह से रखा एक बार, दूसरी तरफ दो बार। जहाँ भी आपको लगता है कि गोल करना है उस तरफ आप मोड़ते जाइए और तेल के कारण आराम से ये बाहर आ जाती है। अगर आपको लगता है तेल कम है और चिपक रही है रोटी पूरी, तो आप थोड़ा सा तेल और लगा सकते हैं और बस ये तैयार है। और बना के दिखाती हूँ। इस तरह से लगाया, इस तरह से रखा इसको गोल नहीं बनती है आपकी तो कोई बात नहीं है, डजंट मैटर, जानिए आखिर पेट में है, टेंशन ज्यादा मत लीजिए, बस बनाइए खाना बना के। और खाने में जो मजा है उतना इस स्ट्रेस को लेने में नहीं है कि रोटी गोल है या नहीं, पूरी गोल है या नहीं। और ये हमारी पूरी बन गई। अब हम इसे तलेंगे। यहाँ से मिठाई, तेल गरम है, ध्यान से डालिए ताकि आपके हाथ पे नहीं आए, और इसको थोड़ा थोड़ा सा दबाइए ताकि पूरी फूल जाए अच्छी तरह से। और ये देखिए ये हमारी पूरी फूल गई है, इसको पलट दीजिए। दूसरी तरफ थोड़ा सा इसको दबा के रखिए ताकि ये प्रॉपरली नीचे से हो जाए। गैस को आप तेज भी कर सकते हैं, अगर आपको खड़ी चाहिए है एकदम ब्राउन कलर की दिखने वाली तो आप वैसे भी बना सकते हैं, थोड़ी देर ज़्यादा रखेंगे तो वैसे लग जाएगी, नहीं तो ये भी पक चुकी है। कई लोगों को एकदम खस्ता पूरी अच्छी लगती है, कई लोगों को सॉफ्ट लगती है अच्छी, तो आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी बनाना चाहें। मैं थोड़ा मीडियम रख रही हूँ इसको। इसको भी दबाएंगे थोड़ा सा तो ये फूल जाएगी। डालते समय बस ये ध्यान रखिए कि आपके ऊपर तेल नहीं आए। कुछ लोग इस तरह से भी चला सकते हैं और मैं ये करती हूँ। गैस थोड़ा गर्म हो रहा है इसलिए पूरी प्रॉपरली फूल नहीं रही है, इसको थोड़ा सा धीरा कर लीजिए और फिर से पूरी फूलने लगेगी। ये जरूर करिए ताकि तेल जो है पूरियों का वो अच्छी तरह से निकल जाए, और नहीं तो तेल तेल निकलता रहता है पूरी के ऊपर। स्लो किया गैस को तो ये फिर से फूलने लगी। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो भी नहीं फूलेंगी, अगर हल्का सा ठंडा रहेगा तो भी नहीं फूलेंगी, तो आप थोड़ा सा मैनेज करके उसकी गैस का जो है वो चलना पड़ता है। हमारी पूरियां भी तैयार हो गई हैं आलू की सब्जी के साथ में पुलाव और फ्रूट क्रीम।
तो हमारा फुल मील अब तैयार है खाने के। इस तरह से सर्व किया है, पुलाव रख दिया है, आलू की सब्जी, चटनी, पूरी और हमारा फ्रूट क्रीम। इस तरह से आप सर्व करिए। और ये कैरी और पुदीना की चटनी है, बस हमने कैरी कट करके पुदीना, मिर्ची और नमक डाल के इसको पीस दिया है और ये बहुत यमी लगती है इस सब्जी के साथ में। और ये पूरा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा लगता है, ऑथेंटिक गांव वाला सेलिब्रेटरी लंच और डिनर। हैप्पी एनिवर्सरी नानी नानू। आज हमने आपके लिए बहुत ही यमी लंच बनाया है। एंजॉय। लव यू नानी I am Omnath. A very happy anniversary to both of you. तो 41 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी पापा। हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत ही बेहतरीन काम किया आपने, मिसालें क्रिएट कर दी हैं, एक दूसरे के साथ बने रहे, डटे रहे 41 साल तक एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बनकर, हमारे लिए तो इंस्पिरेशन बन गए आप। सच में आप हम तीनों के लिए, अब इंक्लूडिंग चार और समीर जीजा जी 5 और जो शानू लाएगा उसके लिए, बट यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस। आप लोग ऐसी मिसालों, मतलब हमने बचपन से बड़े होते तक आप लोग को कभी भी लड़ते नहीं देखा था, तो मैं अब नोकझोंक होती है, अब टॉम एंड जेरी बन गए दोनों। हां, लेकिन मैंने बचपन में नहीं देखा इनको लड़ते हुए। शुक्र है, शुक्र है कि आपका और मेरा बचपन अलग अलग था। नहीं, पड़ोसी भी तो हो सकता था तुम्हारा। हाँ, सो मच फॉर एनिवर्सरी विश। तो कमिंग बैक टू एनिवर्सरी विश, आप दोनों ऐसे ही प्यार से एक दूसरे के साथ बने रहो, थोड़ी बहुत टांग खिंचाई, कान खिंचाई करते रहो, थोड़ा पापा मम्मी के लिए सुधर जाए। एक्चुअली बहुत एंटरटेनिंग होता है जब आप गाड़ी में आगे बैठे होते हैं दोनों और हम दोनों पीछे होते हैं, तो हमें बहुत मजा आ रहा होता है आपकी जो मुझे लगता है कि कभी कभी आपकी तरह मैं भी एक सीक्रेट अपना कैमरा निकाल के वीडियो बना लूं आपकी। हाँ, आप लोग वीडियोस बनाने वाला जो आपके अंदर हुनर है वो कमाल का है। और जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि हमारे जो मम्मी पापा हैं वो एक्सीलेंट DOPs हैं, क्योंकि उनका जो कैमरा है वो कहीं से भी निकल के आ सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ऐसे ऐसे बैठे होंगे। लेकिन आपकी फिल्म बनके कब रिलीज हो जाएगी मालूम? पता है, आप लोग मम्मी हमेशा बताया करते थे ना कि आप और पापा कैसे, आप लोग के बीच में मेंटल टेलीपैथी होती है, आप सोचती हो और पापा वो वाली सब्जी ले आते हैं। ओ, ऐसा होता था? ऐसा होता था। तो अब जब हमारे साथ ऐसा होता है ना, तो मुझे फिर लगता है ओके, हमें मतलब शायद कहीं सही ट्रैक पे चल रहे हैं, बिकॉज आप लोग की प्यार की मिसालें हमारे सामने हैं। सो बी हैप्पी, बी टुगेदर, और हम दोनों से भी आप जितना प्यार करते हो, अपने सारे बच्चों से प्यार करते हो, ऐसे बनाए रखो और अपना ख्याल रखो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ध्यान रखो प्लीज़, डोंट बी रेकलेस। और खास करके अभी के जो टाइम्स चल रहे हैं, पापा को समझाना पड़ता है। दिस नोट इज स्पेशली फॉर पापा, कि पापा आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। आई नो कि आप एक मस्त मौला हैं और एक फ्री स्पिरिटेड मैन हैं, तो इसलिए हमें आपकी थोड़ी सी ज़्यादा फिक्र होती है, बट एवरीथिंग एल्स इज गुड। Happy wedding anniversary once again. Happy anniversary. Happy anniversary, mummy and papa. Happy anniversary, papa. Happy anniversary, mummy. Cheers. Enjoy. तो आई होप आप लोगों को हमारा ये सरप्राइज़ ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करेंगे और बनाएंगे, और हमें कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आपने ये बनाया तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, एकदम ऑथेंटिक गांव जैसा, और फीलिंग आई कि नहीं गांव वाली, तो ज़रूर बताइए हमें कमेंट्स में। और एक सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो दैट्स रियली गोइंग टू हेल्प मी टू ब्रिंग मोर गुड कंटेंट फॉर यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और stay safe, stay healthy. Bye.